अकेडमी, द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन नागपुर फॉर जेईई नीट। छिंदवाड़ा में नरसिंहपुर रोड पर एक ठेकेदार से दिन दहाड़े कट्टा लगाकर लूट किए जाने का मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा के एक ठेकेदार रंजीत चटर्जी को साइट देखने के बहाने सारना चौराहे के पास बुलाकर दो युवकों द्वारा उनकी कार में बैठकर गर्दन पर कट्टा लगाकर 10 तोले की चेन, दो मोबाइल और 10-12 हजार नगद लूट ले गए। पीड़ित द्वारा पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद पुलिस द्वारा मामला संज्ञान में लेकर आरोपियों की तलाश आरम्भ कर दी गयी है। कल 12 बजे फोन आया था एक का कि हमको सारना के बाईपास में एक होटल बनाना है और बाउंड्री वॉल और रिजॉर्ट का काम करना है और लॉन बनाना है और आपने बहुत सारे लॉन बनाए हो और हमने DPS स्कूल बनाया है वहाँ से इनने नंबर लिए बोले है ना। नामदेव इंजीनियर साहब से भी उनका भी फ़ोन आया था कि कोई पार्टी आई बैतूल से, इनको बड़ा काम करवाना है तो आपका नंबर मैंने दिया हूँ तो वो आपको फ़ोन लगाएंगे। फ़ोन भी आया तुरंत, तो मैंने कल मिलने से बोला कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, कल आ जाओ आप। तो उनने बोले कल हम 10 बजे आ रहे हैं, आप हमसे मिलना। तो 10 बजे उनका 10 बजे ही फ़ोन आ गया कि हम आ गए हैं छिंदवाड़ा, आप आ जाए। तो मैंने बोला 1 घंटे का टाइम लो, 1 घंटे में मैं पहुँचता हूँ। तो 11 बजे करीब मैं सारना आया, सारना से मैंने फ़ोन लगाया कहाँ पे है साइट, तो उन्होंने बताया कि अपने गोल चक्कर से आप सिवनी रोड तरफ कटो तो आधा किलोमीटर आगे साइट है। तो मैं आधा किलोमीटर आया साइट पर, बलेनो कार खड़ी है अभी वहाँ, उस कार पे मैं आया। तो उन्होंने बोले कि हमारे बड़े भाई साहब और मैप वगैरह लेके आ रहे हैं, आप थोड़ा सा रुको 5 मिनट जब तक मैप आ रहा है ना। तो मैं रुक गया वहीं पे, गाड़ी में बात करने लगा। वो पीछे बोले AC चालू था तो वो पीछे बैठ गए साथ में बैठ गए। तो 2 मिनट मैं फ़ोन में बात कर रहा था जब तक इनने कट्टा उठा लिया और मेरे गर्दन में अड़ा दिए, और कट्टा अड़ा दिए तो मेरी एक सोने की चैन खींच ली उनने वहीं से, पैसे इस जेब में रखे थे जितने वो पूरे निकाल लिए, मोबाइल छुड़ा के रख लिए, गाड़ी की चाबी ले गए साथ में, गाड़ी की चाबी भी है ना। मेरे को भी ले जाना चाह रहे थे, मैं कूद के रोड पे उतर गया तो वो मेरे को उठा नहीं पाए और वो सीधे उनके साथ वाले आदमी को बुलाया, उन्होंने 2-व्हीलर में बैठे और बढ़ गए आगे। नहीं 2-व्हीलर थे, उनका नंबर मैंने देखा था MP28 है ना, 4522 नंबर था 2-व्हीलर। मेरी चेन थी, चेन की फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो लूट हुई है और इस जेब में 15,000 के आसपास थे, 10 से 15 के बीच में, वही निकाले, इस जेब के पैसे निकाल नहीं पाए क्योंकि गाड़ी में अड़ा हुआ था मैं है ना, और बाकी अंगूठी वगैरह देख नहीं पाए, नहीं तो वो भी चीनते वो। नहीं ऐसा परिचय नहीं था किसी, कोई जैसे बिल्डिंग बनाने वाले बुलाते हैं ना जैसे, इस तरह सिवनी रोड तरफ ये इस रोड से सीधे गए बिल्टू चटर्जी। आज सुबह करीबन 11 बजे की घटना है, बनगांव बाईपास पर रंजीत चटर्जी के किसी डीलर ने ही, प्रॉपर्टी डीलर ने ही फ़ोन करके बोला कि हमारी एक साइट है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, आप आकर देख लीजिए। वो उसी फ़ोन पर ही वो रंजीत चटर्जी आए थे और वो लड़के लोग भी मिले थे, उनसे चर्चा भी हुई थी, उन्हें बोले कि कोई हमारे वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं वो भी है, जब तक आप कार में ही बैठ जाइए। तो कार में वो दो जो लोग थे उनकी, चटर्जी जी की गाड़ी में ही बैठे थे, उसके बाद उनसे ही उनकी चैन और उनके पैसे और मोबाइल वो छीन कर गए हैं, और एक मोटरसाइकिल से ही जाना बता रहे हैं। तो चारों तरफ नाकाबंदी भी कर दी गई है और मुस्तैदी से सभी CCTV चेक कर रहे हैं, पुलिस पूरी टीम लगी हुई है कार्रवाई की। 3 से 4 तोले की समथिंग की वो चैन बता रहे हैं, नकदी 8 से 10 हज़ार रुपये बता रहे हैं, एक सैमसंग का मोबाइल है। तो टोटल मसरूका है और CCTV से अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट। What are you waiting for? Enroll for aptitude and scholarship tests and get a scholarship up to 90% on 2-year JEE NEET fees. For registration and details, call